आज जामताड़ा जिला के इस SGH सभागार में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में जिला के हमारे दीपिका बेसरा जी, उनके साथ आए भाभी जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि जी, हमारे बीच उपस्थित जिला के DC साहब, DDC साहब, AC साहब, जिला कृषि पदाधिकारी साहब और जिला के तमाम बड़ी और कनीय पदाधिकारीगण और इस प्रसाद के अंदर उपस्थित हमारे क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों सबको मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं। आज झारखंड सरकार ने आज के स्थिति को चुना है आपके इस कार्यक्रम के लिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सार्थकता है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, 23 दिसंबर 1994 में संकल्प 59/214 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उनके महासभा में आज इस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मान्यता दिए हैं और तब से आज तक इस 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं और विशेष करके आज के दिन पूरा दुनिया के आदिवासी भाइयों के रहन सहन, खान पान, उनके संस्कृति, उनके आचार विचार, तमाम चीजों के बारे में पूरे देश और दुनिया को अवगत कराने का दिन होता है और साथ साथ आज के दुनिया के विकास के दौर में हमारे आदिवासी भाई बहन कितना पीछे और कितना आगे, इनका भी आकलन होता है और लोगों को साथ लेकर चलने का एक संकल्प का दिवस होता है। उनका भाषा, उनका संस्कृति, उनका कलात्मक कार्यक्रम, सारे चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं और इसी के लिए झारखंड सरकार आज के दिन कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के इस कार्यक्रम को पूरे राज्य के अंदर में मनाने का कार्यक्रम लिया है। साथ ही सही मायने में सरकार का ये निर्णय अत्यंत सराहनीय निर्णय है कि आज अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अपने राज्य का भी विकास चाहते हैं तो निश्चित रूप से और निसंदेह कृषि और किसान दोनों का विकास किए बगैर हम राज्य को आगे नहीं ले जा सकते हैं। हम सारे लोग इस चीज को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान है और कृषि ही एक ऐसा विकल्प बचा है जिस विकल्प के माध्यम से हम तमाम लोगों को नियोजित कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं और संयोगवश आज कृषि कार्य के प्रति लोगों का बहुत बड़ा अवहेलना आया है। इसके पीछे बहुत सारा कारण भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम किसानों के स्थिति और परिस्थिति को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो हमारे राज्य का जो आर्थिक विकास का जो मेरुदंड है वह कमजोर रहेगा। इसलिए सरकार ने ठाना है
कि हर हाल में हमें किसान को सहयोग करना पड़ेगा और किसान के कैसे समुचित विकास हो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि गांव देहात में बसे हुए सारे लोग, अधिकांश लोग कृषि कार्य से ही लिप्त हैं। हमको लगता है कि 5-7-10% आदमी जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और 2-4% आदमी जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं और अधिकांश आदमी या कृषि कार्य से या मजदूरी से इसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो किसान का संख्या है, इस बहुसंख्यक किसान के व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमको आज हो या कल कृषि पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसलिए सरकार ने आज के दिन इस कार्यक्रम को पूरे राज्य के हर जिला में रखे हैं और कृषि के साथ हमारे ट्रेडिशनल मेथड में कृषि के साथ जुड़ा हुआ पशुपालन भी है और कृषि और पशुपालन के साथ सहकारिता भी है। हर किसान, हम लोग खेती करते थे बैल से, आज भले ही हम कृषि यांत्रिक रूप से खेती करते हैं लेकिन ट्रेडिशनल खेती हमारा मवेशी इसी से ही होता था, आज भी होता है। इसलिए पशुपालन भी एक हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस बात को भी आपके बीच में बताना चाहता हूं कि पशुपालन का विकास अगर यहाँ पर नहीं हो, पशुधन का भी हम विकास अगर नहीं करें तो किसानों के अर्थनीति में, किसानों के आर्थिक परिस्थिति में सुदृढ़ता कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए दोनों, पशुपालन और खेती, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज डीसी साहब बहुत मेहनत करके आप तमाम लोगों के बीच में केसीसी कार्ड देने का काम करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड। मैं आपको इसके पहले बताना चाहता हूं पहले किसान का स्थिति क्या होता था। जब खेती का समय आता था तब हम लोग अक्सर देखा करते थे, अधिकांश किसानों के घर में खेती करने लायक बैल नहीं होता था, खेती करने लायक पशु नहीं होता था, खेती करने लायक कोई व्यवस्था नहीं होता था और खेती करने के लिए जो आर्थिक सहयोग की जरूरत था उसका व्यवस्था भी उनके घर में नहीं रहता था। नतीजतन क्या होता था? नतीजा यह होता था किसान महाजनों के घर जाते थे और महाजनों के पास अपना खेत का गिरवी रखकर या अधिक सूद देकर वहां से पैसा या धान लेते थे और अंततोगत्वा होता यह था कि जब एक बार किसान महाजनों के चंगुल में चले जाते थे फिर दूर दूर तक उस महाजन के चंगुल से निकलने के लिए किसान को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, नहीं निकल पाते थे। अंत में हम लोग देखते थे किसान बदहाल होकर के खेती काम खेत छोड़ करके, खेत जोतना छोड़ करके संपूर्ण रूप से मजदूरी के भरोसे में अन्यत्र पलायन करते थे। ऐसे व्यवस्था से निजात देने के लिए केसीसी कार्ड का आइडियोलॉजी हम लोगों के बीच में आया कि जैसे ही किसान को खेती करने के लिए पैसा की जरूरत होता है तो समय अगर उसके पास केसीसी कार्ड है तो केसीसी कार्ड के माध्यम से बैंकों से वे पैसा ले सकते हैं और पैसा लेने के बाद एक नियमित सूद के माध्यम से, नियमित इंटरेस्ट के माध्यम से उसको रिपे करते थे, उसको लौटाते थे और इस तरह से अपना खेती का काम वो करते थे। इसमें होता यह है कि अगर कोई किसान सही मायने में बैंक के साथ लिंकअप करके अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूं उस वह किसान कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वह किसान का आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होगा। बैंक से जैसे ही उन्होंने लोन उठाए, जब फसल उनके घर तक पहुंचा
तो उस फसल को बाजार में जब फसल का मूल्य आने लगा तो उस अच्छे मूल्य में फसल को बिक्री करते हैं, और जब अच्छे मूल्य उनको मिल जाता है तो अच्छे मूल्य मिलने के बाद उस लोन को रिपे करने में उनको बहुत सुविधा होता है। और मैं समझता हूं इसमें किसान और किसान परिवार में एक पैसे की और लोन का बहुत ज्यादा लोड उन पर नहीं पड़ता है, किसान स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए इस केसीसी कार्ड का भरपूर उपयोग करना चाहिए किसानों को। मैं आने के साथ डीसी साहब भी हमसे बात कर रहे थे कि हम लोग 40,000 के आसपास इस जामताड़ा जिला के अंदर में केसीसी कार्ड का लक्ष्य रखा है। हम लोग जानते हैं केसीसी कार्ड का लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया है निश्चित रूप से ये तारीफे काबिल है, लेकिन इस लक्ष्य को आप कितना हद तक ग्राफ कर सकते हैं, कितना हद तक इस लक्ष्य के साथ चल सकते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। आपको अगर बैंक ठीक से कॉपरेट नहीं करे, बैंक वाला लोन देने में कोताही करना शुरू कर दे, एक बार किसान दो बार चार बार पांच बार बैंक घूमा और बैंक में आने के बाद जब उनको लोन नहीं मिला तो ऐसा परिस्थिति होता है किसान के अंदर में एक वित्त स्पृहा पैदा हो जाता है, वे इक्वली अपसेट हो जाते हैं और फिर बैंक जाना ही छोड़ देते हैं। और उस समय ऐसा स्थिति होता है कि उनके मन में लगता है कि चलो यार महाजन के पास चले जाते हैं तो जाने के साथ साथ हमको लोन मिल जाएगा, कौन बैंक के पीछे बैंक के बाबुओं के आगे पीछे घूमते रहेंगे और 5-10 दिन हम व्यय करेंगे, ऐसा भी परिस्थिति उत्पन्न होता है। इसलिए डीसी साहब को मेरा सुझाव है कि आपको और आपके जिला के जितने संबंधित अधिकारी हैं सबको इस बैंक के प्रति भी नजर रखना पड़ेगा, ताकि किसान को केसीसी कार्ड के लिए और लोन के लिए बैंक के दरवाजा में बार बार घूमना नहीं पड़े। और बैंक के साथ एक बार अगर किसान जुड़ जाते हैं निश्चित रूप से जब इनका पैदावार बढ़िया पैदावार होता है तो निश्चित रूप से किसान अपने फसलों का अच्छा मूल्य मिलने के बाद किसान उस लोन को रिपे करते हैं, और आने वाला समय में उनको उस लोन का जो परिधि रहता है उसमें और विस्तृत होता है। यानी आज अगर आपको 75,000 केसीसी कार्ड में दिया जाता है और आप बैंक के साथ अगर बैंक में डिफॉल्टर नहीं बने, बैंक का लोन अगर आप चुका दिए तो आपका इस लोन का जो सीमा है वो और बढ़ जाएगा, आप 1-1.5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और 1-1.5 लाख लोन लेने के बाद आप घर परिवार का तमाम संकट का काम इस बैंक के लोन के माध्यम से कर सकते हैं और फसल होने के उपरांत इसको चुका सकते हैं, एक अच्छा चीज आपका बन जाएगा। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी एक बात प्रासंगिक बात आपके बीच में बता देना चाहता हूं। हमको लगता है कि डीसी साहब को भी इन तमाम चीजों के बारे में बात आएगा तो ये सब बारीकी चीज पर ध्यान रखेंगे, तो हम समझते हैं कि सरकार का कल्याणकारी योजना का जो लक्ष्य है वह 100% धरातल पर उतरेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बैंक से लोन लिए हम 1 लाख रुपया, और जैसे ही बैंक से लोन 1 लाख रुपया लिए तो हमारे बगल में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसके लिए भी समाज में एक अप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बगल में जो आदमी है जैसे ही लोन आपका घर तक आया तो आपके पीछे वो लग जाता है, लगने के बाद वो प्रोत्साहित करता है कितना जल्दी इनके पास इस लोन का जो पैसा है इसको समाप्त हो जाए। इसलिए बाजार में बहुत सब विषय है, बहुत सा चीज है जो सुसज्जित रूप से बाजार में सजा हुआ रहता है। मिठाई का दुकान में जाइएगा तो उसको भी व्यवस्थित ढंग से रखता है, कपड़ा के दुकान में जाइएगा तो उसको भी बड़ी सुंदर सजा के रखता है, आप और जगह में जाएंगे तो उसी तरह का व्यवस्था रहता है। तो जब उनके जेब में पैसा आता है तो उनको भी मन होता है कि चलो हम भी इसको खरीद लो, और इस खरीदने के मकर जाल में वो अगर फंसा तो कृषि कार्य के लिए जिसके लिए वो लोन लिए वो एक, लेकिन उनका बगल में हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, उसका लक्ष्य पूरा वो नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा जाता है उनको कि अरे सरकार ने लोन दिया है, इसको रिपे करने का थोड़ा ही जरूरत है, इसको रिपे करने का जरूरत नहीं है, इसको कभी लौटाना नहीं है, तो माफ होगा, इस तरह का बात को भी प्रचारित कर दिया जाता है। उसमें होता क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा समाज का क्षति होता है। वह क्षति यह है कि आज आप 1 लाख रुपया लोन लिए और बैंक में अगर डिफॉल्टर नहीं बने
आप ससमय अगर बैंक का पैसा लौटा दिए तो आने वाला समय में ये बैंक आपको 2 लाख लोन देगा, फिर 2 लाख का कारोबार करने के बाद आप 2 लाख को भी लौटा दिए तो ही बैंक आपको 4 लाख लोन देंगे, और इसी तरह से आपका लोन का जो परिधि है ये बढ़ते जाएगा, और बैंक के साथ आपका जो व्यवहार है ये भी बहुत ढंग का होगा, और बैंक आपको लोन देने में कभी हिचकिच नहीं करेगा, और आप अपना कृषि कार्य के साथ साथ आप व्यवसाय में भी बढ़ावा दे सकेंगे, और अगर एक ही बार अगर 1 लाख रुपया लेकर के अगर आप रिपे नहीं करेंगे, डिफॉल्टर बन जाएंगे, तो आने वाला समय में बैंक के लोन के साथ जो सब्सिडी रहता है, जो छूट रहता है, वह भी आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 1 लाख का 30,000 होता है तो 30,000 लेकर आपको बैठना पड़ेगा, कल आप अगर 5 लाख लेते हैं तो 1.5 लाख का सब्सिडी आपको जो मिलने का संभावना है उस संभावना में पूर्ण छेद लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। इस तरह का परिपाटी भी हमारे यहाँ चलता है, तो आज इस सरकार के कल्याणकारी योजना को धरातल में उतारने के साथ साथ इन तमाम प्रिकॉशनरी स्टेप पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और हम अगर समझते हैं इस पर हम अगर आंशिक रूप से सफल हो गए और एक बार बैंक के साथ किसानों का जो संपर्क है इसको स्थापित करने में हम अगर पूरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम अगर पूरा पूरी इसमें सफल हो गए तो आने वाला समय में हमारे यहाँ के किसान पंजाब और हरियाणा और आंध्र के किसान से किसी भी अंश में कम नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, किसान के साथ बहुत तकलीफ है, आप देखते हैं जब किसान के घर में फसल पैदा होता है, आलू का जब उपज बढ़िया होता है तो आलू बाजार में 2 रुपया किलो, और उसी आलू को जब आड़तिया वाला खरीद करके कोल्ड स्टोरेज में रख दिया और फिर आपने बाजार गया तो उसी आलू को आप 20 रुपया किलो खरीदिए, यानी मेहनत आप किए, श्रम आपने भी दिया उस पर, आपका एनर्जी उसमें लगा और आपका ऊर्जा का सरासरी शोषण हो गया, बाजार में बैठे लोग आपका ऊर्जा का शोषण कर लिए, तो किसान का स्थिति, किसान का आर्थिक स्थिति कैसे सफल होगा, सफल हो ही नहीं सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए आज आप देख रहे हैं कि धान अधिप्राप्ति केंद्र भी खोला गया है कि चलिए आपको समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदा जाएगा, ताकि कोई भी आड़तिया, कोई भी होर्डिंग करने वाला व्यक्ति आपका मेहनत का जो चीज है, मेहनत का जो फसल है, उसका ओने पोने दाम पर नहीं ले सकता है। और मैं समझता हूं किसान के साथ ही 2-3 चीज अगर हो जाए तो जामताड़ा का किसान भी आंध्र और हरियाणा के किसान के तरह कृषि यंत्र में बैठ करके अखबार पढ़ते पढ़ते अपना खेती काम करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं साथी, शुरू में भी खेती को उत्तम माना जाता था, खेती को उत्तम वाणिज्य मध्यम और नौकरी को निकृष्ट माना जाता था, लेकिन समय अंतराल में किसानों के प्रति जो शोषण हुआ, इस शोषण होने के बाद लोग सोचने लगे खेती उत्तम नहीं रहा, यह निकृष्ट बन गया, किसान बोलने के साथ साथ लोग अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे, किसान शब्द जोड़ने के बाद लगने लगा कि हम एक निकृष्ट व्यक्ति हैं, इस तरह का एक स्थिति समाज के अंदर में पैदा हो गया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो किसान हाशिए पर चले गए। आज आप अगर देखेंगे, हम लोग देखते थे एक किसान को दूर से देखा जाता था, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से किसान को देखते थे कि उनके पास अच्छा मवेशी है खेती करने के लायक, 10 जोड़ा 15 जोड़ा बैल से उसका खेती होता है, इतना जमीन है जोतने के लिए, इतना खेती होता है, उनका एक समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान होता था, और आज के तारीख में उसका उलट हो गया, आज इन किसानों के प्रति लोगों का जो डिग्निटी है ये घट गया, उनके प्रति जो सम्मान है वो घट गया, आप नौकरी पेशे में है या व्यवसाय में है, आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, आप कैसे पैसा कमाए उसका भी कोई नजर समाज देखता नहीं है, लेकिन आपका सम्मान उस जगह में ज्यादा है, यह स्थिति हो गया। आपको मैं बता जाना देना चाहता हूं, जब हमारे देश के अंदर में बेहतर कृषि नहीं होता था तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, उन्होंने अपने दामाद को विदेश भेजे थे एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए, कि जब तक देश अन्न के मामले में सक्षम नहीं होगा, अन्न के मामले में संतुष्ट नहीं होगा,
अपने लायक अन्न नहीं उपजा पाएगा, दूसरे देश के अन्न के मार्फत वे जीना जिएंगे, तब तक देश कभी सफल और संबल युक्त नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस समय सोच करके अपने दामाद को एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए विदेश भेजे हुए थे, और आज हमारे यहां भी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी रहने के बावजूद भी हम लोगों के अंदर में भी यही चीज है कि पहले तो हम लोग दूसरा चीज पर प्रयास करेंगे, अंत में नहीं होते होते एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, उसमें वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं या एग्रीकल्चर अफसर बनते हैं। एग्रीकल्चर अफसर के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी जुड़ा हुआ है, कभी कभी एग्रीकल्चर कैडर से वीडियो भी हुआ करता था, तो लोग एग्रीकल्चर से जुड़ने लगे। लेकिन एग्रीकल्चर इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। यही समाज का नजरिया बन गया है, जिसके चलते हुआ यह है कि आज सारा चीज आपको बाजार ले चुका है, बाजार ले लिया है, आपके अंदर आपके नियंत्रण में कोई भी चीज बचा हुआ नहीं है। आज आप देख रहे हैं मद्रास का मछली आकर के जामताड़ा में बिक्री होता है, गांव तक चला जाता है, बाहर से दूध आता है, बाहर का पशुपालन डिपार्टमेंट हमारे जामताड़ा जिला में है, पूरे राज्य के अंदर में है, लेकिन बाजार के दूध से निर्भर करता है। यहाँ के लोगों का बच्चा वही दूध पीते हैं जो सुबह होकर के गाड़ी लेकर के भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते करते गांव में जाते हैं। मछली भी बाहर से आया, दाल भी बाहर से खरीदते हैं, चावल भी बाहर से लेते हैं, गेहूं भी बाहर का लेते हैं। तो भाई सारे चीज बाहर से खरीद के लीजिएगा और आप कितनों भी पैसा कमाइए, आपके परिवार का जो संपन्नता है कभी नहीं आएगा, आपका परिवार हमेशा विपन्न बन के रहेगा। और अगर आपके परिवार में दूध हो, दही हो, खाने के लिए मछली हो, अंडा हो, धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, अगर आप संपन्न है, पेट अगर आपका भरा हुआ है, तो आपको कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं। चाहे बाजार में बाजार का द्रव्य मूल्य वृद्धि हो, इससे भी आपका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, आप ठीक ही जिंदा रह लेंगे, यह स्थिति है। मैं इस बात को आपके बीच इसलिए कहना चाहा कि आज जरूरत है, आज समय की पुकार है कि अगर हम समय रहते खेती और किसान में, खेती पशुपालन इन तमाम चीजों को अगर हम डेवलप्ड नहीं करेंगे, इसका विकसित नहीं करेंगे, लोगों को इस तरफ अगर इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में बाहर से अन्न और बाहर से सारा चीज आयातित करके हम यहाँ को नहीं दे सकते हैं। आने वाला समय में हमको अन्न के मामले में बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। इसलिए साथी, हम लोगों को हर हाल में किसान को और किसान के जो अर्थनैतिक मेरुदंड है, इसको हर हाल में हमको मजबूत करने का जरूरत है और मजबूत करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, निश्चित रूप से वो लोग इस विषय पर काम करेंगे, और कुछ कुछ लैकुना है, मैं समझता हूं कुछ कुछ पंक्चर पॉइंट है, उस पंक्चर को अगर हम लोग वल्कनाइज कर देंगे, तो मैं समझता हूं सीधा सीधी फायदा किसानों को मिलेगा। हम लोगों ने देख चुका है, जब कृषि यंत्रों का वितरण होता है, तो उस कृषि यंत्र हमारा कुंडहित में या नाला में होना चाहिए, तो कभी कभी देखिएगा ये राजनगर का बाजार में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही कृषि यंत्र यहाँ से मिला, वहां बिचौलिया और दलाल लगा हुआ है, उस यंत्र को फिर ले जाकर के बाहर के बाजार में बेच दिया उन्हें पुणे दाम में। अब उनका जो फायदा लेना था, उनका जो लाभ आपको लेना था, वो लाभ किसान नहीं ले पाए, बेचारा अभाव से हो, अब किसी भी कारणवश हो, उन्होंने उसी सामान को बेच बैठते हैं। इन तमाम चीजों पे हमको लक्ष्य करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं थोड़ा सा साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तौर तरीके से अगर हम यहाँ का खेती कर दें, तो आने वाला समय में जामताड़ा का सारे लोग संपन्न रहेगा। एक देहाती भाषा में एक बात हम लोग आप लोग शायद कहते सुनते होंगे कि हुड़ूर कछे हरी, संथाली में हुड़ूर जिसको धान को कहा जाता है, अगर धान का खेती आपके घर में हुआ तो ईश्वर भी आपके बगल में आ जाते हैं, अगर धान ही अगर आपके घर में नहीं होता है, तो कहीं ठीक ठाक नहीं होगा। धान हो गया तो बड़ा बाबू दरोगा जी भी फिट रहता है, डॉक्टर साहब भी डिस्पेंसरी में बैठ करके फिट रहते हैं,
कचहरी में वकील साहब लोगों को भी मक्केल मिलेगा, मुवक्किल मिलेगा, उनको भी क्लाइंट मिलेगा, और धान अगर नहीं हुआ तो देखिएगा वहां भी मारामारी, सब जगह मारामारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम लोगों को हर हाल में, पूर्व के लोगों ने जिस प्रकार का खेती करते थे उस प्रकार का खेती करना पड़ेगा। और एक चीज से विभाग को सतर्क रहना पड़ेगा कि हर हाल में किसान को हम शोषित तो होने नहीं देंगे, उनका श्रम का 16 आना मूल्य किसानों तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्म दिशा।